सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमआरएस पिक्चर्स। तो गाइस, जैसे कि कुछ ही दिनों में दीपावली आने वाला है, तो बहुत से भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीपावली स्पेशल फोटो एडिटिंग सिखाओ। तो आज की इस नए वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की दीपावली स्पेशल फोटो एडिटिंग, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो गाइस, अगर आपको भी कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करनी है तो हमारे साथ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम आज की इस नए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से चले आना है एडिट अ फोटो पे, और यहाँ से आपको इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं जो भी बैकग्राउंड और PNG यूज करने वाला हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज, इस वाले बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपको चले आना है ऐड फोटो पे, और यहाँ से आपको अपनी कटआउट मॉडल को ऐड कर लेना है। जैसे कि मैंने पहले से पिक्चर कटआउट करके रखी हुई है, तो अगर आपको पिक्चर कटआउट करनी नहीं आती है तो उस वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपकी पिक्चर वन क्लिक में इजिली कटआउट हो जाएगी। तो गाइस, पिक्चर को ऐड करने के बाद आपको इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है, जूम करके कुछ इस तरह से आप परफेक्टली एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको दोबारा से चले आना है ऐड फोटो पे, और यहाँ से आपको इस बार एक डार्क PNG को इसमें ऐड करना है। तो यहाँ से हम इस वाले डार्क PNG को ऐड करेंगे। इस वाले डार्क PNG को ऐड करने के बाद आपको इसे कुछ इस तरह से खींच के फुल कर लेना है। कुछ इस तरह से फुल करने के बाद आपको कर देना है डन। डन करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको चले आना है सेकंड में टूल्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको इस बार एडजस्ट पे चले आना है। एडजस्ट पे आने के बाद आपको सेकंड में कटास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे चले आना है और इसके अमाउंट को आपको हल्का बढ़ा देना है 10 तक। और आपको थर्ड में क्लियरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस बार इस पर चले आना है और यहाँ से आपको इसके अमाउंट को भी हल्का बढ़ा देना है 9 या 10 तक। और आपको थर्ड में सैचुरेशन चले आना है और इसके अमाउंट को भी हल्का बढ़ाना है आपको 8 तक, और आपको कर देना है डन। डन करने के बाद गाइज, आपको यहाँ से चले आना है इस वाले टूल्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको चले आना है क्रॉप पे, और आपको यहाँ से इस वाले पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और आपको कर देना है डन। डन करने के बाद आपको यहाँ से इस बार चले आना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको चले आना है शार्पन पे, यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ से आपको दोबारा से टैप कर लेना है, और आपको इसके फेड को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, आप 86 तक एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद गाइज, हमारी पिक्चर एडिट होकर परफेक्टली रेडी हो चुकी है, तब आप यहाँ से अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।